दोस्तों यो-यो हनी सिंह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फेमस रैपर हैं। फैंस उनके हर गाने पर जमकर प्यार लुटाते हैं। हनी सिंह ने दिल्ली में एक इवेंट के दौरान ऐलान किया कि वह टीना ठंडानी को डेट कर रहे हैं। हनी सिंह ने कुछ महीने पहले ही पत्नी शालिनी तलवार से तलाक लिया है। तलाक के कुछ ही दिन बीते थे कि हनी सिंह ने अपने नए प्यार का खुलासा कर दिया। अब फैंस के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर टीना ठंडानी कौन है जिसके प्यार में हनी सिंह पड़ गए हैं। पिंक बिला की रिपोर्ट के मुताबिक हनी सिंह की गर्लफ्रेंड टीना ठंडानी कनाडा बेस्ड मॉडल और एक्ट्रेस हैं। वह हनी सिंह के गाने पेरिस का ट्रिप में नजर आ चुकी हैं। इस गाने को मिलिंद गावा ने गाया है। टीना इन दिनों मुंबई में ही रह रही हैं। टीना मल्टी टैलेंटेड सेलिब्रिटी हैं। वह मॉडल एक्ट्रेस के अलावा डायरेक्टर भी हैं। टीना शॉर्ट फिल्म द लेफ्ट ओवर का निर्देशन कर चुकी हैं। हनी सिंह ने दिल्ली के एक इवेंट में अपने नए एल्बम हनी 3.0 को लॉन्च किया। इस मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड टीना ठंडानी भी वहां पर नजर आईं। स्टेज पर हाथ में माइक लिए हनी ने सभी को अपनी गर्लफ्रेंड टीना ठंडानी से इंट्रोड्यूस करवाया है। वह कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है टीना, जिसने मुझे ये नाम दिया। इसने बोला कि तुम हनी 3.0 हो और ये तुम्हारी तीसरी लाइफ है। इस तरह इस एल्बम का टाइटल हनी 3.0 रखा गया है। इसके अलावा हनी सिंह ने अपने एल्बम को लेकर बात की। हनी ने बताया कि उन्होंने 48 गाने बनाए हैं, जिसमें से 10 सॉन्ग इस एल्बम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। बता दें कि टीना ठंडानी इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और उन्हें लगभग 60,000 लोग फॉलो करते हैं। टीना ने अपने इंस्टा प्रोफाइल में अपनी एक से एक ग्लैमरस तस्वीर को साझा किया है। दोस्तों टीना ठंडानी का जन्म 11 दिसंबर को नॉर्थ यार्क कनाडा में हुआ था। इन्होंने प्रमुख विषयों के रूप में आईटी और पत्रकारिता के साथ टोरंटो कनाडा से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। बाद में उन्होंने पेनी टेम्पल्टन स्टूडियो न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क में अभिनय का कोर्स किया। 17 साल की उम्र में टीना ने टोरंटो कनाडा में मच म्यूजिक वीजे के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वह कनाडा से भारत आ गई और यहाँ पर उन्होंने चैनल वी, एक हिंदी संगीत चैनल के साथ वीजे के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। चैनल वी में उन्होंने कुछ संगीत और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज कार्यक्रम की मेजबानी की। उन्होंने हिंदी मनोरंजन चैनल बी फॉर यू के लिए वीजे के रूप में भी काम किया। वीजे के रूप में होस्ट किए कुछ टीवी शो बॉलीवुड 10 on 10, फर्स्ट कट और बॉलीवुड DNA शामिल हैं। टीना ने स्कोडा ऑटो, लिवॉन, भारत पेट्रोलियम और फेयर एंड लवली जैसे ब्रांडों के लिए कुछ टीवी विज्ञापन भी किए हैं। उन्होंने विभिन्न प्रिंट विज्ञापनों एवं पत्रिकाओं के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम किया है। उन्होंने द मोल 2008 अंग्रेजी, डिफर 2010 अंग्रेजी और अनारकली 2019 हिंदी जैसी विभिन्न लघु फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में काम किया है। दोस्तों टीना ठंडानी को खाली समय में किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उन्हें अक्सर सिगार पीते हुए और शराब पीते हुए देखा गया है। टीना ठंडानी को माय थाई, जिसे थाई बॉक्सिंग भी कहा जाता है, में वह प्रशिक्षित हैं। वह बहुत लंबे समय से विभिन्न सामाजिक सेवा संगठनों से जुड़ी हुई हैं। 2019 में उन्हें टॉक शो टेडएक्स टॉक में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐश नाम की कॉस्मेटिक लाइन को एंडोर्स किया है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।